हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तिरुपति अकेडमी। तो फाइनल के बच्चों, जैक द रिपर का राउंड टू का सीट अलॉटमेंट भी हो चुका है और साथ में अब कट ऑफ भी आ चुका है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि कितना वेरिएशन आ रहा है, राउंड टू का कट ऑफ क्या गया है, कितना वेरिएशन और आ सकता है, राउंड थ्री के कट ऑफ में क्या जा रहा होगा। और बेसिकली बच्चों, अगर आप लोगों ने भी कट ऑफ देखा होगा तो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, सारी बातें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाने वाला है, कट ऑफ के रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेड आइडिया भी लग जाने वाला है कि थर्ड राउंड का कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन सभी से पहले आप सभी को बच्चों पता ही है कि वीडियो के थ्रू तो रेगुलर आप लोगों की हेल्प की जा रही है, लेकिन साथ में आप लोगों के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे बाय करोगे वैसे इंस्टेंट कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आप सभी के सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा जहां पे ऑलरेडी 120 प्लस स्टूडेंट है, एंड देन जाके आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस नहीं होगी वो सबके साथ हमारी टीम आप लोगों को करवा देगी। ठीक है बच्चों, और ये 100% है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और बेसिकली एक और बात भी है कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा राउंड थर्ड से पहले। जो डेट है वो आप लोग का है 11th ऑफ अक्टूबर से लेकर 12th ऑफ अक्टूबर तक के लिए आप लोगों के लिए जो विंडो ओपन किया जाएगा। तो फ्रेश कैंडिडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चॉइस में कर सकते हैं, और साथ में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड में चॉइस में किया था उनको भी जो है वो चॉइस में मॉडिफिकेशन का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने जो भी गलती कर दिए थे लेकिन आप लोग के पास मौका है कि आप लोग उसे सुधार सकते हो और आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, और बाय कर लोगे तो अभी से लेकर के स्पॉट नॉन सारी चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होंगे, और जब तक आप लोग एडमिशन नहीं होता तब तक आप लोग जो है वो डायरेक्ट हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहोगे। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से बाय कर लो। इसका प्राइस जो है 1200 रुपीज हो गया है, पहले इसका प्राइस 999 हुआ करता था, बहुत जल्दी ही इसका प्राइस जो है वो 1500 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बाय कर लो बच्चों ताकि आप लोग हम लोग हेल्प कर पाए और आप लोग के रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आप लोग को दिलवा दिया जाए। तो ये सारी चीज तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली टॉपिक हमारा क्या है, जेक 2022 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो गोइंग ऑन है, राउंड हो चुका है, राउंड टू भी हो चुका है, राउंड टू का कट ऑफ भी आ चुका है। पहले हम लोग डीटीयू की बात कर लेते हैं क्योंकि डीटीयू जो है वो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है हमारे जैक दिल्ली में, और आप में से भी मोस्टली बच्चों का जो डिमांड होगा, ड्रीम होगा डीटीयू ही होगा। ठीक है, फिर हम लोग एनएसयूटी के रिगार्डिंग भी बात कर रहे होंगे जस्ट नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे सीएससी ब्रांच के लिए, जनरल दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है इस राउंड में जो कट ऑफ गया वो 10,347 गया है, आईटी के लिए जो है वो 10,387 गया है, सॉफ्टवेयर के लिए जो है 16,029 गया है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए 19,548 गया है, ईसी के लिए 24,936 गया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 34,786 कट ऑफ गया है, मैकेनिकल के लिए 46,000 तक गया है। मैम जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन है उसका जो है वो 48,164 तक गया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है 48,706 रैंक तक में मिल रहा था, सिविल के लिए 63,862, केमिकल के लिए 56,501, प्रोडक्शन के लिए 59,000 तक में मिल रहा था, एनवायरमेंट के लिए 68,074 तक में मिल रहा है, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो कट ऑफ गया वो 71,210 तक में गया है बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए भी देख सकते हो, सीएससी के लिए 3,369 गया है, आईटी के लिए 4,188 गया है, सॉफ्टवेयर के लिए 5,050 तक गया है, मैथमेटिक्स के लिए 5,492 गया है, ईसी के लिए 6,510 गया है, इलेक्ट्रिकल के 9,187 गया है, मैकेनिकल के लिए जो है वो 11,754 गया है, मैन के लिए जो है वो 12,244 गया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है वो 12,828 गया है, सिविल के लिए 16,285 गया है, केमिकल के लिए 13,455 गया, प्रोडक्शन के लिए 14,747 गया है, एनवायरमेंटल के लिए जो है 17,818 गया है, बायोटेक्नोलॉजी जो है आउटसाइड के लिए 18,417 तक में ही जो है क्लोज हो गया है बच्चों। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करेंगे कि राउंड और राउंड टू में कितना वेरिएशन देखने को मिला है, तो राउंड वन के जो कट ऑफ गया था सीएससी ब्रांच के लिए वो 7,859 गया था, और राउंड टू में जो गया है वो 10,347 गया है। तो बेसिकली बच्चों आप लोग का जो है वो 2,000 से लेकर 2,500 का डिफरेंस देखने को मिला है। उसी तरीके से आप लोग आउटसाइड वालों के लिए भी देख सकते हो कि राउंड वन में जो कट ऑफ गया था वो 2,109 गया था, वही राउंड टू में गया है 3,369 गया। तो बेसिकली जो है वो इतना आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिला है राउंड वन और राउंड टू में। ठीक है, साथ में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, है ना। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है इसके पीछे? तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है बच्चों कि लास्ट ईयर जो है वो 6 राउंड्स हुए थे, 2 फेज में काउंसलिंग को करवाया गया था, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, फेज 1 में टोटल 4 राउंड्स हुए थे और फेज 2 में 2 राउंड्स हुए थे, यानी कि टोटल 6 राउंड हुआ था। ठीक है ना, लेकिन इस ईयर जो है वो इसे चेंज कर दिया गया है और इस ईयर जो है सिर्फ और सिर्फ 4 ही राउंड्स है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग को इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं बच्चों ज्यादा खुश होने की भी
जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक और बात भी है कि इस बार जो है वैसे भी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट है, जेई में भी आप लोगों ने देखा था, साथ में अगर कि काफी सारे काउंसलिंग पहले ही हो चुका था, वीएटी का हो गया, एसआरएम का हो गया, काफी बच्चे वहां ऑलरेडी जा चुके हैं, और साथ में अगर कि इस बार जो है वो जोसा की भी काउंसलिंग पहले हो चुकी है, राउंड फोर का भी कट ऑफ आ चुका है, तो बेसिकली वैसे भी लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट है। ऑब्वियसली इस बार आप लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि लास्ट जो भी आप लोग अलॉट हो रहा था उससे बेटर ही इसी अलॉट होगा, ठीक है बच्चों। सो ये पॉइंट तो सारे क्लियर हो गया है। इसी तरीके से जो आप लोग जो है वो एनएससीटी का भी आप लोगों को दिखा देते हैं, और फिर जाकर के आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बच्चों डीटीयू के रिगार्डिंग तो बात कर लिया गया है, लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनका फेवरेट कॉलेज डीटीयू ना हो करके एनएससीटी है, उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें भी बताइए, तो आपको भी बताया जाएगा। तो फाइनल करके एनएससीटी का राउंड टू का कट ऑफ भी आ चुका है, दिल्ली रीजन वालों के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे पहला हमारा जो है वो जीएनजीएनडी, इसका मतलब ये है जनरल दिल्ली वालों बच्चों के लिए, सीएसएआई का जो कट ऑफ गया वो 4310 गया है, उसी तरीके से सीएससी का गया है 7453 गया है, सीएचजीएस का 9703 गया है, इसी तरीके से आप लोग हर एक कैटेगरी का देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। बाकी मैं आप लोग जो है इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहां पे भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे पीडीएफ वगैरह वहां पे डाल रहे होते हैं। नीचे आओगे तो आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए दे रखा है, तो यहाँ पे अगर आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए जनरल कैटेगरी के रिगार्डिंग बात करेंगे, सो कंप्यूटर साइंस का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ब्रांच का जो कट ऑफ गया है वो 2117 गया है, सीएससी का 2536 गया है, इसी तरीके से आप लोग सभी का देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ पे डालते रहते हैं, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों ये तो हमने बात किया डीटीयू के रिगार्डिंग और साथ में एनएसयूटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना। लेकिन साथ में अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात की जाए, आईजीडीटीडब्ल्यू की बात की जाए और डीएसयू की रिगार्डिंग बात की जाए, तो इसका अभी तक कट ऑफ जो है रिलीज नहीं किया गया है। जैसे रिलीज करेंगे पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, इसलिए कह रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ ताकि वहां पे आप लोगों को सारी चीजें मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम सारी अपडेट वगैरह सारी पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। सो ज्वाइन हो जाना वहां पे। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों का सारे डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे राउंड थर्ड में, तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हो कि सीएससी के लिए जो है वो 7859 गया था और 10347 गया है राउंड टू में, तो एक्सपेक्टेड है कि राउंड थर्ड में जो आप लोग जाएगा वो 13000 तक में जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके का आप लोगों का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, और वैसे भी राउंड थर्ड में काफी ज्यादा वेरिएशन भी आएगा बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, और फोर ही राउंड्स है। एक और भी चीज मैं काफी वीडियो में ये बात बता रखा हूं, लेकिन मैं ये सोच के चलता हूं कि आप में से कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए तो बच्चों ये है कि अगर आप लोगों ने ये सोच के रखा हुआ कि मैं जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, तो ये आप लोगों का गलत फहमी है, क्योंकि लास्ट ईयर जैक दिल्ली ने जो है वो एंड टाइम में कह दिया था कि जो है स्पॉट राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करते हुए आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे बच्चों अगर अभी भी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है, यानी कि राउंड थर्ड से पहले आप लोगों को मौका मिलेगा। 11 से लेकर 12 ऑफ अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, इसी दिन में जो है आप लोगों के लिए विंडो ओपन किया जाएगा, और आप लोग जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस में ही कर सकते हो, ठीक है ना। चॉइस में जो पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। साथ में आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक भी कोई सीट नहीं मिला है, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से बाय कर लो बच्चों। सिर्फ और सिर्फ जो है 200 रुपीज में ही अभी से लेकर फाइनल एडमिशन तक सारी चीज हम लोग कर रहे होंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो चॉइस में होगी सब चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से बाय कर लो, बाय करोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आप लोगों को मिल जाएगा। और डाउट है कि बता देना, किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप लोगों को चैनल पर मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।